हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के बेसिकली कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? द बेसिक फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन इज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। सबसे बेसिक जो फंक्शन होता है ट्रेड यूनियन का, वो सब हम सब लोग जानते हैं, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना और उनको प्रमोट करना, ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके और उनको उनके वर्क के हिसाब से वेजेस मिले। तो आइए हम लोग कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि इस बेसिकली पांच फंक्शंस होते हैं: मिलिटेंट फंक्शन, फ्रेटर्नल फंक्शन, सोशल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन और एंसिलरी फंक्शन। आइए इन सारे फंक्शंस को हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। पहला जो है वो आपका मिलिटेंट और प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग प्रोटेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एंश्योरिंग एडिक्वेट वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशन एंड बेटर ट्रीटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, उनके द्वारा एम्प्लॉयज़ को यानी वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जा रही है कि नहीं, अच्छी सैलरी दी जा रही है कि नहीं, अच्छी वेजेस, अच्छे बोनस दिए जा रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों का ध्यान वो मिलिटेंट फंक्शन यानी प्रोटेक्टिव फंक्शन में रखते हैं। फाइट विद द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, बॉयकॉट्स, घेराव एट्सेट्रा। मैनेजमेंट के साथ क्या करना, जो भी किसी भी तरीके का फाइट होता है ना वर्कर्स का, जैसे कि मान लीजिए वर्कर्स लोग स्ट्राइक कर लेते हैं, तो उनको भी सॉल्व कराने का काम किसका होता है? ट्रेड यूनियन का काम होता है। और ये किस फंक्शन के? मिलिटेंट फंक्शन यानी प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आता है। अचीव हायर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, ठीक है, उनका मेन मोटिव यही होता है कि वे वर्कर्स जो हैं यानी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिल सके और बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन उनको इंडस्ट्री में मिले। रेज द स्टेटस ऑफ वर्कर्स एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, जैसे कि उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे उनके स्टेटस को क्या करना, बढ़ाना। प्रोटेक्ट लेबर अगेंस्ट रेटिमिजाइजेशन एंड इनजस्टिस, और देखना कि अगर किसी भी वर्कर्स के साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है यानी अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसको होने से रोकना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फ्रेटर्नल फंक्शन। फ्रेटर्नल फंक्शन में आइए देख लेते हैं कि इसका क्या क्या वर्क होता है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वर्कर्स, मतलब फाइनेंशियली यानी पैसों से भी और बिना पैसों के, ठीक है, रिवॉर्ड्स जैसे होते हैं या प्रमोशन होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट के द्वारा वर्कर्स को दिलवाना। एक्सटेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग सिकनेस एंड कैजुअलिटीज़, अगर कोई वर्कर्स बीमार है तो उसको ऑफिस के तरफ से यानी उस इंडस्ट्री के तरफ से, जिस इंडस्ट्री में वो वर्क कर रहा है, वहाँ से उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे दिलवाना या मेडिकल फैसिलिटीज़ दिलवाना, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़, और क्या करना, वर्कर्स को, मतलब वर्कर्स के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में एजुकेशन देना और वर्कर्स को हाउस दिलवाना, ये सारे वर्क भी किसके होते हैं? ट्रेड यूनियन के होते हैं। प्रोविजन ऑफ रिलीजियस एंड सोशल बेनिफिट, और उनको जो भी वो, मतलब ऐसा तो नहीं है वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं वो एक ही रिलीजन के हैं, हर रिलीजन के वहाँ वर्कर्स होते हैं, तो हर रिलीजन के वर्कर्स को क्या करना, अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का या फिर उनको अपने रिलीजन के हिसाब से मतलब चलने का उनको पूरा राइट्स दिलवाना। टू इनकरेज सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स, और उनका एक फंक्शन ये भी होता है कि वर्कर्स में क्या करना, डिसिप्लिन को इनकरेज करना। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड ग्रोथ, और वर्कर्स को मतलब ये सारे वर्क सिखाना कि वो क्या करें, और भी बहुत तेज़ी से प्रमोशन और अपॉर्चुनिटी को, अपने ग्रोथ को क्या करें, मतलब अचीव कर सके। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है आपका सोशल फंक्शन। कैरिंग आउट सोशल सर्विस एक्टिविटीज़, डिस्चार्जिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक एजुकेटिंग द कस्टमर। क्या करना, सोशल फंक्शन में ये सारी चीज़ें आती है कि जो भी हमारे मैनेजमेंट है, जो भी आपके वर्कर्स हैं, उनको ये गाइड करना कि आपकी जो सोसाइटी के प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उनको क्या करना, कस्टमर को अच्छे से गाइड करना, ठीक है। पॉलिटिकल फंक्शन है आपका नेक्स्ट।
affiliating a union to a political party, helping the political party in enrolling members, collecting donations, seeking the help of political parties during the strikes and lockouts. मतलब political function में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, जब आप किसी political party की मदद लेते हो या political party की help करते हो, उनको donation देते हो या फिर उनसे donation लेते हो, किसी भी तरीके का आप अगर political party को involve कर लेते हो अपने work में, तो वो political function के अंदर आता है. और जो हमारा next function है वो है आपका ancillary function. ancillary function में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पहला इसमें communication. ट्रेड यूनियन कम्युनिकेट्स इट्स एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स, डिसीजन, अचीवमेंट एक्सेट्रा थ्रू पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ लेटर. देखिए सबसे पहले वो क्या करती है, ट्रेड यूनियन जो भी वर्क कर रही होती है वो क्या करती है, अपने वर्क को पब्लिक तक पहुँचाती है कि मैं ये वर्क कर रही हूँ. नेक्स्ट है आपका वेलफेयर एक्टिविटीज़, एक्वायरिंग ऑफ हाउस साइट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एक्टिविटीज एट्सेट्रा. वेलफेयर एक्टिविटीज़ जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, वो क्या करती है, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए यानी बेनिफिट के लिए जो वर्क करती है उसी को हम लोग वेलफेयर एक्टिविटीज़ कहते हैं. जैसे उसमें हो सकता है कि वो फ्री ट्रेनिंग दे रही हो वर्कर्स को, या उनको मतलब हाउसिंग फैसिलिटी दे रही हो, मेडिकल फैसिलिटी दे रही हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर वो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रही है तो हम लोग उसको वेलफेयर एक्टिविटीज़ बोलेंगे. नेक्स्ट है वो आपका एजुकेशन, एजुकेशनल फैसिलिटी टू इट्स मेंबर एंड देयर फैमिली मेंबर. मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको एजुकेशन देना और उनकी फैमिली के मेंबर्स को भी एजुकेशन देना, ये हमारे एजुकेशन फैसिलिटीज़ में आते हैं. नेक्स्ट है आपका रिसर्च, अरेंज टू कंडक्ट रिसर्च प्रोग्राम, कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर यूनियन ऑफिशियल्स. क्या करना, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रिसर्च फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग सोर्स से डेटा को कलेक्ट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं और लास्ट में जाके वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं. तो बेसिकली ये हमारे कुछ फंक्शंस थे ट्रेड यूनियन के, कि वो क्या क्या काम करते हैं. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है. थैंक यू.